जॉर्ज सोरोस, पहले अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब जॉर्ज सोरोस का ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक देश तो कहा है मगर भारत के पीएम को एक डिक्टेटर से कंपेयर किया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस इंसान को रिच, ओल्ड और डेंजरस पर्सन कहा है जो कि विदेश में बैठकर भारत की सरकार गिराना चाहता है। आधी दुनिया इस इंसान को इकोनॉमिक टेररिस्ट बोलती है और आधी दुनिया इस इंसान को हीरो। हु इज जॉर्ज सोरोस? कैसे एक इंसान इतने सारे देशों की इकोनॉमी को अकेला बर्बाद कर सकता है, इसी बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। जॉर्ज सोरोस के काफी नाम है। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी इंग्लैंड की करेंसी के अगेंस्ट इन्वेस्ट करके, और ये सब करके जॉर्ज सोरोस ने 1.5 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया था। काफी देशों ने जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट केस करे हुए हैं और यहाँ तक कि फ्रेंच कोर्ट ने जॉर्ज सोरोस को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सजा भी सुनाई हुई है। सोरोस पैदा तो हंगरी में हुए थे मगर हंगेरियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम है स्टॉप सोरोस, जो कि जॉर्ज सोरोस की मैनिपुलेशन एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया है। जूविश होने के बावजूद जॉर्ज सोरोस को वर्ल्ड वॉर टू का एक सपोर्टर कहा जाता है। I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. जॉर्ज सोरोस की किसी भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ नहीं बनती, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या फिर रशिया हो। मतलब एक इंसान एक लाइफ टाइम में इतने सारे देशों की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद कर सकता है। सच तो ये है कि सोरोस एक पैटर्न फॉलो करता है अपनी आइडियोलॉजी को, और इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए हमें सोरोस के पास में जाना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस अभी 92 साल के हैं और जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था तब वो सिर्फ 8 साल के थे। उनका जन्म हंगरी के एक जूविश फैमिली में हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम एक जू होना बिल्कुल वैसा ही था जैसे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम एक भारतीय होना। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम सोरोस की जान बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम श्वास क्योर्गी से बदलकर जॉर्ज सोरोस कर दिया जिससे उनके जू होने का पता ना लगे। एक 8 साल का बच्चा ये देखता गया कि दूसरे जूविश पकड़े जा रहे हैं मगर वो सुरक्षित हैं। जॉर्ज सोरोस ने यहाँ तक कहा था कि वर्ल्ड वॉर टू का टाइम उनके लिए बहुत खुशी का टाइम था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीखा कि इतनी वर्स्ट कंडीशंस में भी कैसे सर्वाइव किया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज सोरोस ने एक अपनी आइडियोलॉजी बनाई और उनके हिसाब से वो आइडियोलॉजी बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। अभी सोरोस की लाइफ में थोड़ा आगे आते हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और यहाँ पर जो प्रोफेसर्स थे वो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और इसी बात का प्रभाव सोरोस पर भी पड़ा। सोरोस अपनी पढ़ाई के टाइम इंग्लैंड में एक गरीब इमिग्रेंट थे। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में लोगों के पास इतना पैसा है, इंग्लैंड ने ये पैसा कितना खून बहाकर लूटा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही बात सोरोस ने इंग्लैंड से सीखी और यही सोरोस की आइडियोलॉजी का बेस बना। अगर सोरोस की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है और उन्होंने 42 बिलियन डॉलर डोनेट किए हैं। अगर सोरोस डोनेट नहीं करते तो आज उनकी नेटवर्थ 50 बिलियन डॉलर होती। अब जो इंसान इतना डोनेशन कर रहा है वो कितना महान इंसान होगा, मगर इससे ये बात खत्म नहीं होती कि उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया है। पढ़ाई के बाद सोरोस यूएस गए और वहां जाकर उन्होंने फॉरेन करेंसी में डील करना स्टार्ट किया। उस समय फॉरेन करेंसी में डील करना बहुत कम लोग जानते थे और इसका फायदा सोरोस ने पूरा उठाया। इससे सोरोस ने बहुत पैसा कमाया मगर अभी उनका गोल्डन टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। इसके बाद सोरोस ने अपना एक फंड स्टार्ट किया, क्वांटम फंड, और अब स्टार्ट होता है सोरोस का गोल्डन टाइम। क्वांटम फंड एक हेज फंड है जिसने पिछले सालों में ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न दिया है। अब इस फंड के क्लाइंट कौन थे? ये लोग ना तो आपको फॉर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में मिलेंगे मगर ये फैमिलीज दुनिया की सबसे अमीर, सीक्रेटिव और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से थी जो कि अपना पैसा दुनिया को कंट्रोल करने में लगाती थी। अपॉर्चुनिटीज का यूज कैसे किया जाता है ये कोई सोरोस से सीखे। जब दुनिया अस्त व्यस्त थी तब सोरोस ने अपने शतकीय पारी खेली। There are times when the normal rules don't apply. The way you've looked at the world is just not applicable because the world has changed. अब बात करते हैं सोरोस ने कैसे अपने फायदे के लिए देशों को बर्बाद किया। फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग मार्केट में हर दिन अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इसी का फायदा सोरोस ने उठाया। वो किसी एक देश की करेंसी को टारगेट करता और वहाँ अपने टारगेट फिक्स कर देता।
उस देश की करेंसी जितनी गिरती सोरोस उतना प्रॉफिट कमाता। 1990 में सोरोस ने यही खेल खेला और रातों रात $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। सोरोस ने देखा कि ब्रिटिश पाउंड की कीमत बेकार है, इसी का फायदा सोरोस ने उठाया और मार्केट से $10 बिलियन उधार ले लिए और यही $10 बिलियन से उसने जर्मन मार्क खरीदे। सोरोस को देखकर दूसरे हेज फंड्स ने भी यही किया और अपने सारे ब्रिटिश पाउंड्स बेच दिए। इससे अगले ही दिन ब्रिटिश पाउंड की कीमत जर्मन मार्क के अगेंस्ट 15% तक गिर गई। जब कोई ब्रिटिश पाउंड होल्ड ही नहीं करना चाहता था तो ब्रिटिश पाउंड की कीमत गिरना तय था। जब ब्रिटिश पाउंड की कीमत गिर गई तो सोरोस ने अपने खरीदे हुए जर्मन मार्क से वापस से ब्रिटिश पाउंड को कम कीमत पर खरीदा। ये 15% का डिफरेंस वही था जिससे सोरोस ने $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद सोरोस को टाइटल मिल गया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। थाईलैंड के बाट और जापान की येन के अगेंस्ट भी सोरोस ने यही किया। इफ आई वर्न देयर ऑफ कोर्स आई वाजंट डूइंग इट बट समबडी एल्स वुड बी टेकिंग इट अवे एनीहाउ। अब हम ये देखेंगे कि सोरोस इतना डेंजरस कैसे है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सोरोस को एक ओल्ड रिच और डेंजरस पर्सन कहा है। जैसे सोरोस ने अपने फाइनेंशियल एम्स को अचीव करने के लिए इंग्लैंड की इकोनॉमिकल क्राइसिस का फायदा उठाया और करोड़ों कमाए, और यही हाल उसने थाईलैंड और जापान का भी किया था। मतलब ये इंसान किसी देश के विकास से नहीं बल्कि उसके आर्थिक ढांचे को तोड़कर उससे फायदा कमाने में विश्वास रखता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये इंसान एक हीरो है जो इतना सारा पैसा डोनेशन में देता है, या फिर ये एक पैरासाइट है जो ये डोनेशन का पैसा दूसरे देशों की कमर तोड़कर कमाता है। मैं ये बात आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये इंसान एक भेड़िया है जो जंगल के जानवरों की शेर से रक्षा करना चाहता है, उन सभी जानवरों को खुद खाकर। सोरोस का एम है कि दुनिया में सही बदलाव आए, मगर उन बदलावों को लाने के लिए सोरोस ने हमेशा गलत तरीके अपनाए, तो उन बदलावों को लाने का क्या फायदा? सोरोस के अकॉर्डिंग कोई बात सही है या फिर गलत? उसने अपने बचपन में एक डिक्टेटर को देखा जिसने वॉर किया, तो सोरोस जब भी अब कोई सिंगल लीडर को देखता है जो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है तो सोरोस अपना इन्फ्लुएंस और पैसा उसे नीचे गिराने में लगाता है। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब करने से एक आम नागरिक के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है। और सोरोस ये काम सोशल जस्टिस लाने के लिए नहीं करता, उसका प्योर मोटिव पैसा कमाना है और यहाँ पे वो अपनी आइडियोलॉजी को यूज करता है। तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? पर सच्चाई ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी था, है और हमेशा रहेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी को सुधारने के लिए सवाल करना इम्पोर्टेंट है और यही डेमोक्रेसी है, मगर ये इंटरफेरेंस विदेश से नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई एक लीडर या फिर विदेश में बैठा हुआ कोई पैसों का भूखा कीड़ा। इस बात से मेरे फर्क पड़ता है और आपके भी पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।